दिल्ली में कांग्रेस सीईसी की बैठक आज। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां वर्चुअली बैठक में जुड़ेंगे सीईसी के तमाम सदस्य। लोकसभा उम्मीदवारों के नाम पर आज के इस महत्वपूर्ण बैठक में चर्चा होगी। तीन नाम तय हो चुके हैं, लेकिन छह पर अभी भी पेंच फंसा हुआ है। आज की बैठक में इन नामों पर मोहर लग सकती है, तो वहीं सब कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही इस बार लिस्ट में घोषणा होगी। आपको बता दें कि दिल्ली में आज कांग्रेस सीईसी की बैठक बुलाई गई है। वर्चुअली बैठक में जुड़ेंगे सीईसी के तमाम सदस्य। तो लोकसभा उम्मीदवारों के नाम पर आज की इस बैठक में चर्चा होनी है। तीन नाम अब तक हरियाणा के लिए तय हो चुके हैं, जबकि छह नामों पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। आपको बता दें कि आज की इस बैठक में मुहर भी लग सकती है। सब कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होगी। हरियाणा में 9 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों के नामों को लेकर लगातार बैठक जारी है, जिसमें से 3 सीटों पर नाम तय हो चुके हैं, लेकिन अभी भी 6 सीटों पर लगातार पेच फंसा हुआ है, जिसको लेकर के बैठकों का दौर भी जारी है। तो वहीं आज दिल्ली में कांग्रेस सीईसी की बैठक होनी है, जहां वर्चुअल माध्यम से तमाम सीईसी के सदस्य जुड़ेंगे। और आपको बता दें कि सब कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होगी। फिलहाल जो 3 नाम तय हो चुके हैं, सिरसा से कुमारी शैलजा का नाम तय हो चुका है, रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा का नाम फाइनल हो चुका है, और उसके अलावा अंबाला से वरुण मुलाना का नाम फाइनल हो चुका है। लेकिन अभी भी 6 ऐसी सीटें जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवारों की घोषणा होनी बाकी है, उनके नाम तय होने बाकी है। और आज की यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण, उम्मीद यह है कि आज की इस बैठक के बाद 1 से 2 दिन के भीतर कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी कर सकती है। आपको बता दें कि 9 सीटों की अगर जिक्र किया जाए तो गुरुग्राम से अजय यादव संभावित उम्मीदवार हैं। इसके अलावा सिरसा से कुमारी शैलजा का नाम लगभग तय माना जा रहा है। हिसार से बृजेंद्र सिंह संभावित उम्मीदवार बताए जा रहे हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ में 2 नामों को लेकर के लगातार मंथन जारी है, रावदान सिंह और श्रुति चौधरी इसके प्रबल दावेदार। इसके अलावा रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा का नाम लगभग फाइनल बताया जा रहा है। फरीदाबाद से महेंद्र प्रताप और करण दलाल दावेदार। करनाल से वीरेंद्र राठौर, कुलदीप शर्मा में से कोई हो सकता है। अंबाला में वरुण मुलाना संभावित उम्मीदवार बताए जा रहे हैं। सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी का नाम फिलहाल सबसे आगे चल रहा है। इसके अलावा गुरुग्राम से अजय यादव संभावित उम्मीदवार बताए जा रहे हैं। तो लगातार 9 सीटों को लेकर के जो मंथन है वो जारी है। हालांकि इस दौरान 3 नाम जो है वो लगभग फाइनल हो चुके हैं। वरुण मुलाना, दीपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा का नाम लगभग तय, लेकिन 6 सीट अभी भी ऐसी जिन पर लगातार सब कमेटी की भी बैठक जारी है। और उसके अलावा आपको बता दें कि आज कांग्रेस सीईसी की महत्वपूर्ण बैठक होनी है, और इस बैठक के बाद ये उम्मीद लगाई जा रही है कि उन 6 सीटों पर भी जो संभावित नाम है वो फाइनल हो सकते हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, वर्चुअल माध्यम से आज सीईसी के तमाम सदस्य बैठक में जुड़ेंगे और लोकसभा उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। तो 3 नाम तय हो चुके हैं, लेकिन 6 पर पेच फंसा हुआ है। हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। स्पर्श, आज कांग्रेस सीईसी की बैठक होनी है, फिलहाल क्या कुछ जानकारी, किस वक्त ही बैठक शुरू होगी? देखिए, बिल्कुल, कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी दोपहर में। ये बैठक लगभग 1:30 बजे के आसपास देखने को मिलती हुई नजर आएगी। वर्चुअली ये बैठक जो है कांग्रेस की देखने को मिलती हुई जो है नजर आएगी। और सीधे तौर पर बात करें तो काफी महत्वपूर्ण बैठक है, जिस तरीके से हरियाणा की लिहाज से हम बात करें तो कई सीटें, यानी 6 लगभग सीटें जिन पर अभी भी असमंजस की स्थिति जो है बरकरार देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। हालांकि सब कमेटी की बैठक हो चुकी है। सब कमेटी की बैठक में जो रिपोर्ट बनकर तैयार हुई है वो आज जो है कांग्रेस आलाकमान को भेज दी गई है। तो ऐसे में आज माना जा रहा है कि जो वर्चुअल बैठक है सीईसी की, उसमें जो अंतिम मोहर है वो लगती हुई नजर आ सकती है। और आज रात को या फिर हम बात करें कल, ये जो जो उम्मीदवार है वो जारी होते हुए जो है नजर आ सकते हैं। ये आज जो सूचना है वो फिलहाल प्राप्त होती हुई नजर आ रही है। अलग अलग सीटों पर, 3 सीटों की बात करें उसमें खासतौर पर जो अंतिम मोहर है वो लग चुकी है, जिसमें सिरसा से कुमारी शैलजा, रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा और अंबाला से वरुण मुलाना, ये 3 नाम जो है वो फाइनलाइज हो चुके हैं। इनको लेकर कभी भी सूची जो जारी है वो होती हुई नजर आ सकती है। लेकिन इसके अलावा बाकी जो बची हुई 6 सीटें हैं उसको लेकर जो दारोमदार है वो कांग्रेस केंद्रीय आलाकमान पर फिलहाल छोड़ा गया है। बिल्कुल, स्पर्श, और खासतौर पर बात की जाए तो हरियाणा कांग्रेस में कुछ ऐसी सीटें भी हैं जिनको लेकर के लगातार ये भी एक सस्पेंस बना हुआ है, जहां पर 2 जो दावेदार हैं वो बताए जा रहे हैं। फिर चाहे भिवानी महेंद्रगढ़ सीट की बात की जाए, वहां पर भी
दो ऐसे संभावित उम्मीदवार हैं जिनमें से किसी एक का नाम तय हो सकता है। तो ये मान के चला जाए कि इनको लेकर के अभी भी जिस तरीके से सस्पेंस बरकरार है, इन सीटों पर ही कुछ देरी देखने को मिल सकती है। देखिए, निश्चित तौर पर 6 सीटें हैं जिसमें असमंजस की स्थिति अभी तक बरकरार देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। हम सीट वाइज सीट अपने तमाम दर्शकों को जानकारी दें। पहला जो हिसार सीट है, हॉट सीट कहीं ना कहीं देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। ब्रिजेंद्र सिंह जो कि जो सांसद है मौजूदा, वो छोड़कर जो है कांग्रेस में शामिल होते हुए जो है नजर आए थे, और उसके बाद कांग्रेस में उनका नाम सबसे जो है सबसे प्रबल दावेदार के तौर पर देखने को मिलता नजर आ रहा है। अगर हिसार से ब्रिजेंद्र सिंह को टिकट नहीं दी जाएगी तो वहां से नॉन जाट जो है जो कांग्रेस है वो मैदान में उतारती हुई जो है नजर आएगी। ऐसे में नॉन जाट के तौर पर चंद्रमोहन बिश्नोई, चंद्रप्रकाश, ये नाम जो है कुछ चलते हुए जो है नजर आ रहे हैं। यानी इनको लेकर अभी भी जो है जो आलाकमान फैसला है वो लेता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा हम बात करें भिवानी महेंद्रगढ़, यहाँ पर भी पेज जो है फंसा हुआ है। दो खेमे आमने सामने देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। पहला खेमा किरण चौधरी और अन्य जो नेता है उनका, जिसमें वो श्रुति चौधरी जो कि पिछली बार भी वहां से चुनाव लड़ती हुई नजर आई थी, उनको टिकट दिलाने को लेकर लगातार जो दावेदारी है वो करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हुड्डा खेमा जो कि राव दान सिंह के नाम को लेकर लगातार आगे जो है रखता हुआ नजर आ रहा है, उनका कहना है कि अहिर वोट जो है वो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में जो है देखने को मिलते हुए जो है नजर आते हैं। और पिछली बार चूंकि श्रुति चौधरी की हार हुई थी तो एक बार जो है राव दान सिंह को भी कहीं ना कहीं सीट से जो है आजमा लेना चाहिए। तो ये भिवानी महेंद्रगढ़ की स्थिति फिलहाल देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही है। गुरुग्राम की हम बात करते हैं तो गुरुग्राम में कैप्टन अजय यादव और अन्य नेताओं का नाम जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ भी यानी यहाँ पर भी जो सबसे आगे नाम है वो कैप्टन अजय यादव का है, उसके अलावा जो अन्य नाम है वो देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अब फरीदाबाद क्षेत्र की बात करते हैं तो महेंद्र प्रताप और करण दलाल, ये दो जो समीकरण है उनको साधने की कोशिश देखने को मिलती हुई नजर आएगी। यानी जातिगत समीकरण के आधार पर जो वोट है वो जो है जो टिकट है वो फरीदाबाद में दी जाएगी। करण दलाल की बात की जाए, महेंद्र प्रताप की बात की, करण दलाल जो नाम है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे, और महेंद्र प्रताप का नाम थोड़ा सा फरीदाबाद में आगे देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा दो ऐसी सीटें हैं जहां पर अभी भी असमंजस की स्थिति है, या फिर कहे कि जो दावेदार है वो जो है कहीं ना कहीं मुश्किल हो रहा है कांग्रेस के लिए। पहला जो करनाल की सीट है जिसमें कुलदीप शर्मा या उनका परिवार या फिर वीरेंद्र राठौर उनका नाम देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है, और दूसरा सोनीपत। सोनीपत सीट काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ पर दारोमदार जो है वो एक खेमे के ऊपर छोड़ा गया है, लेकिन वहां से अभी तक जो है नाम फाइनलाइज नहीं किया गया है। यानी जो है वहां पर असमंजस की स्थिति है कि कौन जो है उम्मीदवार मैदान में देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। हालांकि वहां से भी कुछ नाम आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें सतपाल ब्रह्मचारी की बात करें, सुरेंद्र दहिया की बात करें, लेकिन अभी तक हम बात करें तो वहां पर एक तरीके से कहा जा सकता है कि उम्मीदवार कांग्रेस जो है ढूंढ रही है। तो ये स्थिति जो है बाकी बची हुई सीटों पर देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद स्पर्श आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लगातार ये बड़ी खबर आपको बता रही है, आज कांग्रेस सीईसी की महत्वपूर्ण बैठक होनी है जहां हरियाणा के 9 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा भी इस बैठक के बाद संभावित है कि हो सकती है।